हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के बड़सर के बिजट में महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी को बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करनी थी, लेकिन किन्हीं कारणों से वे नहीं पहुंच सकी। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए अनुराग ठाकुर ने जैसे ही एक कॉल उठाई और माइक पर जाकर कहा कि स्मृति ईरानी आज आपके बीच ये बात रखना चाहती हैं। साथ ही साथ ये भी कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी अमेठी से भागने का काम स्मृति ईरानी ने कर दिया है। इस बात पर भी जमकर नारेबाजी हुई। स्मृति ईरानी ने अमेठी से जय श्री राम के नारे के साथ अपने विचार रखे और कहा कि उनके भाई अनुराग ठाकुर एक बार फिर से जीत का सहरा पहनकर संसद में आएंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि अनुराग एक बार फिर से हिमाचल की शान बढ़ाएंगे और पूरे विश्व में भारत का गौरव बढ़ाने में अनुराग एक बार फिर से अपना योगदान देंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी के प्रमुख नेताओं ने लोकसभा चुनावों में कई विशेष जिम्मेदारियां उन्हें दी हैं। ये सब तब संभव हुआ है जब जनता ने अनुराग ठाकुर को आशीर्वाद दिया है। स्मृति ईरानी ने मोबाइल से संबोधन में कहा कि संसद के अंदर और संसद के बाहर अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस को नाकों चने चबवाए हैं और कांग्रेस के भ्रष्टाचार को उजागर किया है। उन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर जनता की आवाज संसद में उठाते आए हैं। टुकड़े गैंग को समर्थन करने वाले कांग्रेस पार्टी को देश की जनता कभी वोट नहीं डालेगी। देश की जनता ने मन बना लिया है कि वह एक मजबूत, निर्विक, ईमानदार तथा सशक्त नेतृत्व इस देश में दोबारा लाएगी। हमीरपुर के एनजीयू भवन में पार्टी द्वारा आयोजित पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ सम्मेलन में उपस्थित सैकड़ों लोगों को संबोधित करते हुए सांसद अनुराग ठाकुर ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि 2019 का लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी और साथ में देश की जनता नरेंद्र मोदी के काम और उनके सशक्त नेतृत्व के नाम पर लड़ रही है। 5 वर्षों में मोदी सरकार ने ईमानदारी से काम करते हुए, सबका साथ सबका विकास करते हुए, गरीबों और पिछड़ों के साथ न्याय करते हुए, देश की आर्थिकी को बढ़ाते हुए, वो देश के दुश्मनों के गलत इरादों को मिट्टी में मिलाते हुए भारत का नेतृत्व किया है। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी और विरोधियों को घेरते हुए सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि राष्ट्रवाद से जुड़े मुद्दों पर कांग्रेस ने हमेशा सदन में विरोध किया है। यही नहीं, देशद्रोह की धारा को कांग्रेस पार्टी खत्म करने की बात करती है। देश की सुरक्षा में जुटी सेना की हिफाजत के लिए बने एस्पा कानून को खत्म करने की बात करती है। सांसद अनुराग ठाकुर ने टुकड़े गैंग का समर्थन करने पर राहुल गांधी को घेरते हुए कहा कि आप लगातार इस देश में चुनाव पर चुनाव हारते जा रहे हैं, तो कहीं आपका इरादा भारत के टुकड़े कराकर किसी एक टुकड़े पर राज करने का तो नहीं है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार ने सबका साथ सबका विकास की नीति पर काम करते हुए मुस्लिम बहनों के लिए 3 तलाक खत्म करने का कानून तक बना दिया। इस अवसर पर हमीरपुर के विधायक नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र और हमीरपुर विधानसभा में सांसद निधि और केंद्र सरकार की योजनाओं से करोड़ों रुपए का विकास हुआ है तथा हमीरपुर की जनता एक बार फिर से सांसद अनुराग ठाकुर को जिताकर इस विकास को आगे बढ़ाएगी। पूर्व विधायक विजय अग्निहोत्री ने कहा कि मोदी सरकार बनने के बाद केंद्र प्रदेश को हजारों करोड़ों के विकास प्रोजेक्ट मिले, लेकिन
कांग्रेस की पूर्व प्रदेश सरकार ने इस विकास कार्यों में जी भरकर रोड़े अटकाए हैं। अब प्रदेश में भाजपा की सरकार है और इन विकास प्रोजेक्टों को तीव्र गति मिली है। जनता को विकास करने वाली मोदी सरकार, भाजपा सरकार एक बार फिर से चाहिए। पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम शर्मा ने इस अवसर पर कहा कि सही मायनों में भाजपा की सरकार है, कर्मचारी हित में फैसले लेती है, जबकि कांग्रेस राज में हमेशा कर्मचारियों का शोषण हुआ है। कुश्ती प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकमात्र पहलवान रहे जगदीश कुमार का बिलासपुर के लखनपुर में हनुमान अखाड़े के शुभारंभ अवसर पर दर्द झलक कर सामने आया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कुश्ती प्रतियोगिताओं को मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। हालांकि इसके विपरीत कोई भी कुश्ती एकेडमी प्रदेश में नहीं है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कुश्ती का बहुत अधिक टैलेंट है, लेकिन उसे जीवित रखने का श्रेय केवल अपने स्तर पर ही आ रहा है। बिलासपुर शहर के लखनपुर वार्ड में हनुमान अखाड़े का शुभारंभ करने पहुंचे उपायुक्त विवेक भाटिया ने संबोधित करते हुए कहा कि बिलासपुर जिले में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, इसलिए प्रशिक्षकों को चाहिए कि उनमें कुछ नया सिखाने का दृष्टिकोण हो, उन्हें नए सिखाने की चेष्टा होनी चाहिए। साथ ही कुश्ती के साथ चरित्र निर्माण पर भी ध्यान देना चाहिए, जिससे युवा पीढ़ी नशे से दूर रह सके।